हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो स्टॉक है उसका प्राइस बढ़ता और घटता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं मेरी सीरीज स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसके पहले के 4-5 वीडियो भी ज़रूर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएंगे और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके अभी देख सकते हैं इसी चैनल पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्यों घटता और बढ़ता है प्राइस? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानने की क्या जरूरत है कि भाई क्यों घट रहा है बढ़ रहा है। देखो, बढ़ रहा है, देखिए, इन्वेस्टमेंट एक सिंपल से फंडे पे होती है कि भाई आप सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। तो ऑब्वियसली आपके लिए जानना जरूरी है भाई एक स्टॉक का हाई क्या है, एक स्टॉक का लो क्या है, ऊपर में कितना गया, नीचे में कितना आया। तो ये साइकिल जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। अब जो ये घटना और बढ़ना है प्राइस का, किसी भी चीज़ के प्राइस का, ये डिमांड और सप्लाई का एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अभी पीछे केरला में आपको पता है बाढ़ आई थी, तो ना केरला से स्मॉल कार्डमम जो है आता है हमारे पास, छोटी इलायची। अब बाढ़ से पहले छोटी इलायची का प्राइस था 18, जहाँ से जहाँ हम जाके लेकर आते थे 1800 रुपये किलो, एक किलो आती थी 1800 रुपये की। बाढ़ आने के बाद इसका प्राइस हो गया 5000 रुपये किलो। ये क्यों हो गया, क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे फसलें खराब हो गई। फसलें खराब होने से क्या होता है, उससे ये हुआ कि सप्लाई खत्म हो गई या सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम होगी डिमांड से, तब हमेशा प्राइस बढ़ेगा। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जब भी डिमांड से सप्लाई कम होगी, हिंदी में शुद्ध भाषा में समझिए, खरीदार ज्यादा है, माल कम आ रहा है। तो जब माल कम होगा, खरीदार ज्यादा होंगे, तो उस माल का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। अब आप उल्टा ले लो, अगर माल ज्यादा है और खरीदार कम है तो उसका प्राइस घट जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले नहीं है ना। तो बेचने वाला कहेगा चलो सस्ता ले लो, सस्ता ले लो, सस्ता ले लो, उस चक्कर में वो सस्ता ही होता जाएगा। अब यही चीज आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हैं कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा। आप जो शेयर्स, एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसको बेचने वाले जो है वो है आपके 15000, मगर खरीदार नहीं है। खरीदार कितने है? 2000। क्यों नहीं है वो हम समझेंगे अभी। बेचने वाले हैं 15000, खरीदने वाले हैं बस 2000 लोग। अब अगर यही चलेगा तो खरीदार तो है नहीं, बेचने वाले ज्यादा है, तो बेचने वाले क्या सोचेंगे, चलो प्राइस घटाओ कोई तो खरीदे, प्राइस घटाओ तो ही तो खरीदे, तो बायर की चलेगी इस केस में, है ना। बायर तभी खरीदेगा जब प्राइस कम होगा, तो प्राइस कम होता जाएगा। अब आप उल्टा ले लो, 20000 लोग हैं बेचने वाले, खरीदने वाले हैं 50000। अब जब खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो किसको शेयर मिलेगा? उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा, उस चक्कर में प्राइस बढ़ता जाएगा। ऐसे प्राइस बढ़ता है और घटता है, सब किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। अब कोई क्यों ऐसे करेगा, कोई क्यों एक शेयर को खरीदना ही चाहेगा या कोई क्यों एक शेयर को बेचना ही चाहेगा, वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, देखिए आजकल तो हमारे पास कितने सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, बाद से 15-20 साल पहले जब कोई ज्यादा सोर्सेज नहीं होते थे, तो खाली वही लोग एक्शन ठीक टाइम पे ले पाते होंगे जिनके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, भाई वो इंसाइडर इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है। मगर आज तो कितने सारे सोर्सेज है, सोशल मीडिया है, आपके पास एनुअल रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट आती है, न्यूज़ में इतना ज़्यादा आता है, प्रेस रिलीजेज होती हैं, इन जगहों से आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है। अब आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, आप कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करते हैं। आप फंडामेंटल्स में क्या क्या आएगा, जैसे आप देखेंगे कि भाई क्या अर्न कर रही है कंपनी, क्या अर्निंग्स है उसकी और क्या अर्निंग ग्रोथ है, तो आप इससे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे भाई आगे क्या अर्निंग इनका ग्रोथ रहेगा, अगर रहेगा तो क्या प्रोस्पेक्ट है अर्निंग, ये आप स्टडी कर सकते हैं ना। फिर आप देख सकते हैं भाई कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी, ये समझने के लिए। फिर अगर कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, वो प्रेस रिलीज कर दे या कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ के थ्रू मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से ये होते हैं फंडामेंटल्स कंपनी के बेसिकली।
फिर आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। अब मेरे फादर एमके जैंसर इतने चार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, उन चार्ट्स और पैटर्न से आपको क्या पता चलता है? उन चार्ट और पैटर्न से आपको प्राइस का मूवमेंट ही तो पता चलता है। इन जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है, गवर्नमेंट डिसीजंस चेंज होते हैं आए दिन। अभी हम जानते हैं ये डिसीज चल रहा है, इसकी वजह से प्राइस के इतने मूवमेंट्स, इतने वॉलेटाइल है मार्केट आज। इन जगहों से जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कंपनी के बारे में आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली। कैसी? उनको कुछ लीडरशिप प्रॉब्लम थी, उन्होंने प्रेस रिलीज करी कि भाई अब हम जो है नया सीईओ अपॉइंट कर रहे हैं। तो अब आपको, अब मिस्टर एक्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनको लगता है कि ये नया सीईओ अपॉइंट कर रहे हैं, आगे जाके इनको जो है अच्छा, ये अच्छा मैनेजमेंट हो गया है तो आगे जाके अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा। वो इस सिनारियो में उनको क्या लगेगा? इस सिनेरियो में उनको लगता है कि भाई इस कंपनी का प्राइस आगे बढ़ सकता है, स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ सकता है। अब मैंने आपको बताया कि हम किस फंडे में चलते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब उनको लगता है कि आगे प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करते हैं, अभी खरीद लेते हैं तो आगे बेच देंगे। अब क्या होगा, अब जो बायर है वो अभी खरीदेगा, है ना, तो मार्केट में बायर ज्यादा हो जाएंगे, सेलर कम हो जाएंगे, तो सेलर उसको बेचेंगे जो सबसे ज्यादा प्राइस कोट करेगा। तो इस चक्कर में प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे प्राइस बढ़ता है, ऐसे प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट जिस तरीके से करेंगे उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। उनको लगा कि प्राइस बढ़ेगा तो उन्होंने इस तरीके से एक्शन लिया, उन्होंने खरीदा क्योंकि उनको लगा कि आगे प्राइस बढ़ेगा। यही यही अगर अगर पर्सन को लगता है कि भाई ये जो प्राइस है आगे बढ़ेगा नहीं, कम होगा, इस कंपनी की कोई चांस नहीं है, बिल्कुल खराब कंपनी है, बेकार कंपनी है, खत्म हो जाएगी, अगर उनको लगता है कि प्राइस गिरेगा तो वो खरीदेंगे नहीं, फिर वो आज बेच देंगे। फिर वो क्या करेंगे, आज बेच देंगे क्योंकि कल प्राइस गिर जाएगा, तो महंगा बेचेंगे सस्ता खरीदेंगे, सिंपल। समझ रहे हैं? इस तरीके से डिसाइड होता है कि भाई शेयर का प्राइस कैसे बढ़ा और कैसे घटा, इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से लोग फायदा उठा के क्या करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी थोड़ी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस सीरीज के और भी वीडियोस आप जरूर देखें जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ ले कमेंट्स में, और अगर सब पसंद आए वीडियो तो आप लाइक करें, शायद शेयर करें अपने जानकारों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मैं मानसी जैन आपसे फिर से इसी चैनल में मिलूंगी। गुड बाय।